ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के मैनिफेस्टो के रिलीज से पहले आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है और हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो डेमोक्रेसी दी और हर व्यक्ति को जो स्वातंत्र्य दिया, जो अधिकार दिया, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज उसी को हम लोग याद करते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है, तो उसी दिशा को हम लोग मानते हुए आज फिर एक बार प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप ही हम सभी लोग अपना बर्ताव करेंगे। और इस संविधान दिवस की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज एक और दिन है, आज 26/11 है और हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर जो हमला किया था वो आज का दिवस है। ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, ये आतंकवादियों ने भारत की अस्मिता पर हमला किया था और उसके भी जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनको भी आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ तेलंगाना राज्य की निर्मिति में जिन्होंने शहादत हासिल की, ऐसे सभी शहीदों को याद करते हुए इस बात को हम रिएट्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत लंबी लड़ाई इस राज्य के निर्माण में की है। जहाँ तक हमारे मैनिफेस्टो का सवाल है, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने आप सभी को बताया एक बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस इस मैनिफेस्टो को तैयार करते समय किया गया है। ये मैनिफेस्टो लोगों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जाकर लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हमने समझा है। कई और पार्टियों ने यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो दिए लेकिन महलों में रहकर गरीब, सामान्य और मध्यम वर्गियों के दुख दर्दों को समझा नहीं जा सकता। जब तक उनसे बातचीत नहीं होती वो क्या चाहते ये नहीं समझा जा सकता। उस बातचीत को करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। वैसे तो कई चीज़ें मैनिफेस्टो में हैं, आप तक मैनिफेस्टो पहुँचेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, किंतु तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और कर्नाटक का कुछ पोर्शन, ये 17 सितंबर 1948 को यहाँ पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराया। और ये हमारे लिए स्वतंत्रता का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमेशा इस दिन पर तिरंगा झंडा लहराता है, स्टेट फंक्शन होता है और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में, चूंकि पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना, तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे।